हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। माय नेम इज़ ऋचा पांडे। देखिए, आज हम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यानी पीसीआर एक्ट 1955। अगर आप एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में, वो एमपी स्टेट से आते हैं और सेकेंड नंबर पर एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें एक एक्ट जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1955, ये इम्पॉर्टेंट है। अब पढ़ लेते हैं इसे। ये पारित हुआ था 8 मई 1955 को, लेकिन ये फोर्स में कब आया, तो 1 जून 1955 को। ये पूरे भारत में लागू हो गया। इसमें टोटल 17 धाराएं हैं। देखिए, एग्ज़ाम में आता है, ये फैक्ट है कि टोटल 17 धाराएं हैं। पहले इस एक्ट का नाम, पीसीआर एक्ट का नाम था अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955, लेकिन 19 नवंबर 1976, याद रखिएगा 19 नवंबर 1976 में इसका नाम बदल के कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब देख लेते हैं इसकी सभी धाराएं, 17 धाराएं टोटल। पहली जो धारा है वो संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, यानी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसमें जो पूरे एक्ट में इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ हुए हैं उसके बारे में बताया गया है, और इस एक्ट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो संपूर्ण भारत में। प्रारंभ कब हुआ, तो प्रारंभ हुआ 8 मई 1955 को, और ये लागू कब हुआ, 1 जून 1955 को। सेकंड जो धारा हुई है परिभाषाएं, यानी डेफिनेशंस, तो इसमें आर्टिकल 17 के तहत जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है उसके बारे में बताया गया है। तो कहां कहां पे ये अपराध हो सकते हैं, तो होटल, प्लेस, किस किस जगह को रखा गया है, ये आप याद रखिएगा। होटल, प्लेस, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, प्लेस ऑफ वर्शिप और शॉप्स, ऐसी जगह पे अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई एससी कास्ट है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो अपराध माना जाएगा। तीसरी जो धारा है वो धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दंड पर आधारित है। तो इसमें अगर किसी पूजा स्थल पर किसी एससी कास्ट को जाने से रोका जाए, तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान है। और दूसरा, इसी में बी सेक्शन है, पूजा स्थान या परिसर में बना कोई भी जगह, जैसे झील या तालाब, नदी, कुछ भी उस परिसर में बना है, तो उसमें जाने से अगर किसी व्यक्ति ने किसी को रोका, यानी एससी कास्ट को किसी को रोका, तो उसमें 1 मंथ की सज़ा का प्रावधान किया गया है। चौथी धारा है सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दंड। तो इसके तहत अगर किसी एससी कास्ट को किसी सामाजिक प्लेस पे जाने से रोका जाता है, तो उसमें 1 माह से 6 माह के दंड का प्रावधान है। जैसे सामाजिक जगह कौन सी हो सकती है, पार्क हो सकता है, कोई मार्केट हो सकती है, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक जाती है, वहाँ जाने से एससी कास्ट को रोका नहीं जा सकता। देखिए, जो धार्मिक निर्योग्यता थी ये धार्मिक प्लेसेस के बारे में है, और जो चौथे में है ये सामाजिक निर्योग्यता है। 6 नंबर है धारा माल बेचने या सेवा करने से इनकार के लिए दंड। यानी कोई दुकानदार या फिर कोई सेवा करने वाला इंसान, यानी कोई डॉक्टर है, वो इस आधार पर किसी एससी कास्ट का इलाज करने से मना नहीं कर सकता कि वो एससी है, तो इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं धारा 7 पे, अस्पृश्यता उद्भूत अन्य अपराधों के लिए दंड। यानी कि अगर कोई एससी कास्ट को किसी काम के लिए मजबूर करता है कि आप एससी हो, आपको आपका ये काम है, आप करो, फोर्स करता है, तो इसके लिए इसे अपराध माना गया है और इसके लिए दंड का प्रावधान है। अब धारा 8 पे आते हैं, कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द या निलंबित किया जाना। इसमें कहा गया है कि धारा 6 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी एससी को माल बेचने या सेवा देने से इनकार करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगर शॉपकीपर है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, अगर डॉक्टर वगैरह है तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। अब आते हैं धारा 9 पर, इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा किए गए अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निलंबन। यानी कि अगर कोई संस्था जिसे सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त है या फिर प्राप्त किए जाने की बात चल रही है, तो वो रद्द कर दिया जाएगा। अगर प्राप्त है अनुदान तो उसका पुनर्ग्रहण कर लिया जाएगा। अगर ऐसा पाया जाता है कि वहाँ पे किसी एससी से संबंधित अपराध किए जा रहे हैं, अस्पृश्यता से संबंधित अपराध हो रहे हैं। धारा 10 है अपराध के दुष्प्रेषण। इसमें कहा गया है कि कोई लोक सेवक या फिर अन्य व्यक्ति जो अपराध को उकसाता है, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसी में एक आती है धारा 10 का पार्ट 1। इसमें कहा गया है कि सामूहिक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई सामूहिक अपराध किया गया है या अपराध के लिए उकसाया गया है, तो ये जुर्माना कौन लगा सकता है, राज्य सरकार। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति किसके पास है, तो वह है राज्य सरकार के पास, ऐसा कहा गया है धारा 10 के पार्ट 1 में। धारा 11 है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर वर्धित सस्ती। इसमें कहा गया है कि अगर कोई अपराध दूसरी बार कर दिया जाता है, तो 6 महीने की सजा दी जाएगी, और मिनिमम जो जुर्माना होगा वो 200 रुपये से 500 रुपये होगा। अभी तक था 100 रुपये से 500, अब हो गया
200 से 500 और जो मिनिमम सज़ा है वो 6 माह की हो गई। अगर वही अपराध तीसरी बार किया जाता है तो 1 साल से 2 साल की सज़ा और 500 से 1,000 तक जुर्माना लिया जाएगा। धारा 12 है कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा उपधारणा, मतलब न्यायालय कुछ प्रिजम्पशंस कर सकता है कि ये अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान किया जाना है, किसी भी ऐसी बात की वो उपधारणा बना सकता है। धारा 13 है सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा, यानी कि इसमें सिविल न्यायालय जो हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। अगर उनके पास कोई एक ऐसा मामला आता है जिसमें अस्पृश्यता की बात की गई है, उसके प्रतिकूल कोई मामला चला जाता है, तो वो उसे तुरंत रद्द कर देगा न्यायालय और उसे उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। धारा 14 है कंपनियों द्वारा अपराध, यानी अभी तक जो बात की जा रही थी वो व्यक्तियों या फिर संस्थाओं के खिलाफ थी, और ये है कंपनियों द्वारा अपराध अगर किया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें 14A में कहा गया है कि सद्भावनापूर्ण कार्यवाही पर संरक्षण, कि अगर कोई कंपनी कोई उसका गलत इंटेंशन नहीं था फिर भी उसने कोई ऐसा काम कर दिया तो उसके लिए संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। और जो इसमें दंड का प्रावधान है वो अपराध क्या हो सकता है, जैसे कोई एडवर्टाइज ऐसी दे दी, ऐड ऐसा दे दिया जिसमें भावनाएँ आहत हों SC ST की। धारा 15 है अपराध संज्ञेय और संक्षेपता विचारणीय होंगे, यानी कि ये जो अपराध होंगे ये संज्ञेय माने जाएंगे और इसके तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। साथ ही साथ प्री बेल का भी प्रावधान है, जैसा कि SC ST एक्ट में था कि वहाँ प्री बेल नहीं मिलती थी, तो यहाँ पे प्री बेल मिलेगी क्योंकि ये संक्षेपता विचारणीय है। धारा 16 में कहा गया अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोहण करेगा, मतलब अगर कोई अपराध हुआ है और वहाँ पे सिविल राइट्स एक्ट के तहत भी अपराध हुआ है तो सिविल राइट्स वाला जो अपराध है वो ओवरराइड कर जाएगा। इसी में 16A के तहत कहा गया है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों पर लागू ना होना, यानी कि कोई व्यक्ति जो 14 साल से ऊपर है वो कोई अपराध करता है तो वो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत नहीं आएगा और उसे सजा दी जाएगी। 16B में कहा गया नियम बनाने की शक्ति, तो नियम बनाने की शक्ति किसकी है, राज्य सरकार की। आखिरी जो अंतिम है 17वां धारा, वह निरसन यानी रिपील। इसमें कुछ एक्ट ऐसे हैं जिन्हें सिविल राइट्स एक्ट में शामिल कर लिया गया है, तो टोटल इसे कहते हैं निरसन, बहुत सारे एक्टों का एक समूह। इस तरह से हमने सभी धाराएं पढ़ी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली धारा है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, दूसरी परिभाषाएं, तीसरी धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दंड, चौथी है सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दंड, पाँचवा है अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश देने से इनकार करने पर दंड, छठवां है माल बेचने या सेवा करने देने से इनकार के लिए दंड, सातवां है अस्पृश्यता उद्भूत अन्य अपराधों के लिए दंड, आठवां है कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द या निलंबित किया जाना, नवीं धारा है सरकार द्वारा किए गए अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निलंबन, दसवां है अपराध का दुष्प्रेरण, ग्यारहवां है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर वर्धित शस्ति, बारहवां है कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा उपधारणा, 13 है सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा, 14 है कंपनियों द्वारा अपराध, 15 है अपराध संज्ञेय और संक्षेपता विचारणीय होंगे, 16 है अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोहण करेगा, 17 है निरसन। इस तरह से हमने सारी जो धाराएं थी उन्हें रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए इस एक्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा।